अंबिका सोनी जी नॉट प्रेजेंट, माननीय मंत्री जी आपका जवाब इसमें आप बताइए क्या। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबने बहुत गंभीरता से बहुत गंभीर विषय और अपने अपने अनुभव और अपने अपने एडवाइस इस हाउस से शेयर किए हैं और बहुत संवेदनशीलता से अपनी बात को रखा है। हम सबको भी बहुत कष्ट है कि सभी का मैंने देखा कि बहुत सारे मेंबर्स ने बताया कि उनके व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, परिचितों को, मित्रों को कैंसर की बीमारी से खोया है। हम लोगों ने भी पिछले 5 साल में कई अपने प्रिय साथियों को कैंसर की बीमारी से खोया है, इसका हम लोगों को बहुत कष्ट है। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक ENT सर्जन हूं और लगभग 3 दशक तक मैंने एक ENT के कंसल्टेंट के रूप में प्रैक्टिस की है और विशेष रूप से जो ओरल कैंसर के मरीज़ हैं उनको बहुत बड़ी तादाद में देखा है और वो किस कारण से होते हैं, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला, सुपारी, इस तरह की चीज़ें तो सभी की हिस्ट्री में मिलती थी जिनको कैंसर के साथ जो लोग आते थे। और लगभग 3 दशक तक अपना जो दिन है वो सुबह 6 बजे ऑपरेशन थिएटर से इस तरह के मरीज़ों का ऑपरेशन करके प्रारंभ किया है। मुझे 2014 में स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला था और लगभग 5 महीने में यहाँ था और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में मैं गया। अभी भी वो मंत्रालय मेरे पास है। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में देखा कि हेल्थ का जो हाई एंडेड रिसर्च है और हेल्थ की जो अनसुलझी समस्याएं हैं उनका समाधान तो वास्तव में सबसे ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, इसलिए मैं अपनी बात को शुरू करते हुए, क्योंकि बहुत सारी बातें तो यहाँ रखी गई हैं लेकिन बहुत सारी बातें जिनका कि संज्ञान शायद अगर मैं यहाँ नहीं रखूँगा तो मेम्बर्स को नहीं होगा, कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत व्यापक पैमाने पर और शायद जिस क्वालिटी का रिसर्च भारत में हो रहा है वो किसी भी दुनिया के विकसित देश से कंपेरेबल है। बहुत डिटेल में तो नहीं लेकिन थोड़ा सा उसका एक फील हम सबको हो जाए, इसके लिए मैं कुछ चीज़ों का सिर्फ उल्लेख करूँगा। हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है उसका नाम CSIR है और CSIR की देश में लगभग 38 लेबॉरटरीज़ हैं। CSIR का जन्म जब हम देश के रूप में आज़ाद हुए उससे भी पहले हुआ था और आज CSIR हमारा दुनिया में ऐसे 1207 संस्थान हैं जिनमें सरकार के मदद से, सरकार के पैसे से रिसर्च होती है और उसके माध्यम से नए नए रिसर्च के आउटकम्स डेवलप होते हैं। ऐसी दुनिया में 1207 संस्थाएं हैं और उन 1207 संस्थाओं में जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में आज CSIR जो है वो पहले 10-12 स्थानों के अंदर अपना स्थान प्राप्त करता है। कैंसर के संदर्भ में मुझे इतना बताना है कि हमारी CSIR की करीब 8-10 प्रतिष्ठित लेबॉरटरीज, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेग्रेटिव मेडिसिन जो जम्मू में है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी,
नेशनल केमिकल लेबॉरेटरी पुणे और नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोहरट, ये प्राइमरीली जो है दे आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कैंसर रिसर्च। और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं दे इंक्लूड डिस्कवरी ऑफ बायो मार्कर्स, जो अर्ली डायग्नोसिस, सभी का ये था कि इसका अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए। एक अर्ली डायग्नोसिस हम सामने देख के करते हैं, एक अर्ली डायग्नोसिस जो जब हमें कुछ दिखता नहीं बीमारी के बारे में तो फिर बायो मार्कर्स को डेवलप करके उसके माध्यम से ब्लड टेस्ट से हो सकता है। तो इसकी जो इनकी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं दे इंक्लूड डिस्कवरी ऑफ बायो मार्कर फॉर अर्ली डायग्नोसिस, सर्चिंग फॉर न्यू मॉलिकुलर एंटिटीज टू ओवरकम थेरेपी रेजिस्टेंस, एपिजेनेटिक रेगुलेशन ऑफ कैंसर, मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग, अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग फॉर लीड्स ऑफ कैंसर एक्सेट्रा। और इसमें दो तीन का मैं उल्लेख विशेष करूँगा जहाँ पे कि बड़ी सिग्निफिकेंट, जिसमें एक तो मैं अभी हैदराबाद के अंदर उद्घाटन करके आया पिछले ही दिनों में, ये हमारी जो CSIR की CCMB लैब है, यहाँ पे इट इज़ वर्किंग ऑन मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ कैंसर प्रोग्रेस। द इंस्टीट्यूट हैज़ आइडेंटिफाइड एंड पेटेंटेड सिग्नेचर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड पीडियाट्रिक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया विच वुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन एट लार्ज। इसी तरह से ये जो CSIR IIIM है जो हमारी लेबॉरटरी जम्मू में है, इट इज़ डेवलपिंग एन एंटी कैंसर ड्रग कोड नेम्ड IIIM 290 विच पोजेसेस प्रोमिसिंग इन विट्रो साइटोटॉक्सिसिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर टिश्यूज विद मोस्ट पोटेंट साइटोटॉक्सिसिटी इन ल्यूकेमिया एंड पैनक्रियाटिक कैंसर सेल्स। ये बड़ी महत्वपूर्ण डिस्कवरी है। इसी तरह से जो लखनऊ की CSIR CDRI है, इट इज़ अंडरटेकिंग रिसर्च ऑन ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर विद रिस्पेक्ट टू इट्स बायो मार्कर डिस्कवरी फॉर डायग्नोसिस, सर्चिंग फॉर न्यू मॉलिकुलर एंटिटी टू ओवरकम थेरेपी रेजिस्टेंस सो दैट पुअर प्रोग्नोसिस एंड हाई मोर्टेलिटी इन केस ऑफ TNBC कुड बी एड्रेस्ड। ये काम अभी लैब लेवल पर है, इसके आगे जो इसके ह्यूमन ट्रायल्स इत्यादि होने हैं। और इसी तरह से जो एक और सिग्निफिकेंट चीज़ का उल्लेख करना चाहता हूँ, CSIR CDRI एंड CSIR IICA CB एंड CSIR NIST इज कमिंग अप विद ए कंसोलिडेटेड कैंसर रिसर्च प्रोग्राम ऑन ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर रिलेटेड टू इंडियन पेशेंट्स। इसके अलावा सर, जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दूसरा एक मेजर जो डिपार्टमेंट है वो बायोटेक्नोलॉजी है, और उसमें जो कैंसर बायोलॉजी का जो रिसर्च है ये उसका वन ऑफ द मेजर थ्रस्ट एरिया है। और इसमें ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, हम सब इनसे नामों से अब तक तो सबने इतने कैंसर के मरीजों को रोज़ हेल्प करने की कोशिश की है, हम जान गए हैं। और जिन प्रायोरिटीज़ पर यहाँ पर काम हो रहा है, बायो मार्कर्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, नैनो मेडिसिन फॉर कैंसर डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, सिंथेटिक केमिस्ट्री फॉर टारगेट इनहिबिशन, कैंसर स्टेम सेल्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डायग्नोसिस एंड थेरेपेटिक्स, और इसी तरह से इमेजिंग इन कैंसर, बायो बैंकिंग विद वेल एनोटेटेड स्पेसिमेंस। करीब बड़े 52 प्रोजेक्ट्स जो है इस समय हमारा डिपार्टमेंट इस संदर्भ में फंड कर रहा है। और इसी तरह से जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि दुनिया के 40 देश मिलकर उन्होंने एक इंटरनेशनल कैंसर जीनोम कंसोर्टियम बनाया है, जिसमें हमारा भारत 7 फाउंडिंग कंट्रीज़ में से है। और इसके संदर्भ में बहुत व्यापक पैमाने पर ये 40 देश मिलकर इस इंटरनेशनल कंसोर्टियम में काम कर रहे हैं। इसी तरह से ये हमारी दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी और एक बड़ा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन UK के साथ, ये कुछ प्रमुख चीज़ें ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। और इसी तरह से हमारा जो DST है उसने पिछले समय में ये कोर रिसर्च ग्रांट, अर्ली कैरियर रिसर्च, यंग साइंटिस्ट स्कीम, नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, इसमें इम्प्रिंट और क्लिनिकल रिसर्च, इन सब में
मिलके कम से कम 155 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है इसके कैंसर के रिसर्च के लिए सैंक्शन किए हैं। तो ये इन चीज़ों का, ये प्रोजेक्ट्स के डिटेल इत्यादि हैं। इसका मैंने उल्लेख सिर्फ इसलिए किया कि हम सब इस बात से अवगत रहे कि जहाँ कैंसर के बारे में हमारी चिंता है कि हम इसको कैसे डायग्नोज करें और कैसे इसका अर्ली ट्रीटमेंट करें, उसी के साथ साथ ये जो रिसर्च का कंपोनेंट है इसके ऊपर भी सरकार का बहुत गहरा ध्यान है और इसके संदर्भ में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे कोलैबोरेशंस करके काम कर रहे हैं। मैं एक बार जस्ट फॉर नॉलेज, एक मरीज़ जिसको कैंसर हो जाए उसके लिए अभी भारत सरकार के अंदर क्या क्या सुविधा है इसकी पहले जानकारी दूंगा, फिर और विषयों को टच करूंगा। जैसा कि अभी बताया गया कि कुछ हमारे मेंबर्स ने भी जिक्र किया, आयुष्मान योजना के बारे में हम सबको पता है और देश के लगभग 11.25 करोड़ हमारे लोग, उनको उससे ऑटोमेटिक लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत करीब जो 1385 पैकेजेस हैं उसमें से पीडियाट्रिक, मेडिकल और रेडिएशन और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के एक्सक्लूसिवली 152 पैकेजेस बनाए गए हैं, जो अलग अलग स्टेजेस के अंदर जो कैंसर का मरीज़ जो है अस्पताल के अंदर कहीं भी वॉक इन करेगा और जो लाभार्थी हो सकता है आयुष्मान का, उससे उसको हेल्प मिलती है। दूसरी एक स्कीम जो अभी बहुत प्रभावी ढंग से लागू की गई वो अमृत नाम की स्कीम है, जिसका जो फुल फॉर्म है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, जिसमें कि लगभग 50% तक जो है दवाई और इम्प्लांट्स जो हैं वो सब्सिडाइज होते हैं। ऐसे लगभग देश भर में 164 अमृत की फार्मेसीज बनाई गई हैं और इसमें जो कैंसर के मरीज़ों को भी बड़े पैमाने पर लाभ हो रहा है। जस्ट जानकारी के लिए पिछले समय में 142.30 लाख पेशेंट्स को इनसे लाभ हुआ और जो दवाई की कॉस्ट 1416.43 करोड़ थी उसको 679.47 करोड़ पे बेचा गया, यानी कि मरीज़ों को सीधा सीधा इससे ये लाभ हुआ। हमारे माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी जिक्र किया था, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उनसे मोहब्बत भी करता हूँ। उनके उन्होंने जो हमारा जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि का एक कंपोनेंट है जिसके बारे में विशेष रूप से उन्होंने भी जिक्र किया, हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड, वो अभी भी उसी प्रकार से चलता है अभी, लेकिन आपने 20 से शुरू करके 10 किया था, लेकिन अभी उसका जो किसी भी मरीज़ को पुअर पेशेंट जो है उसको 15 लाख तक की वन टाइम ग्रांट उसके अंदर मिलती है। कोई भी जो है वो उसके अंदर जो गरीबी रेखा के नीचे पुअर पेशेंट है। इसी तरह से हमने करीब जो अपने रीजनल कैंसर सेंटर्स हैं 27 देश में, वहाँ पर एक रिवॉल्विंग फंड जो है 1 करोड़ रुपए का वो MS के डिस्पोजल पर रखा हुआ है, ख़त्म होने पे वो उसको दोबारा से रिप्लेनिश कर दिया जाता है और उस फंड के तहत 5 लाख रुपया वो सीधा मरीज़ को अस्पताल के अंदर ही वो सैंक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पिछले समय में सरकार ने जो 489 नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं इसमें से 47 जो एंटी कैंसर मेडिसिन हैं उसको ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर की सहायता से, जो हमारी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उसने इसमें 30% का जो 30% तक का स्टॉकिस्ट के प्राइस के बाद ट्रेड मार्जिन की इसमें कैपिंग करी और उसके कारण इसमें अभी 90% तक का जो है दवाई के अंदर जो है प्राइस रिडक्शन जो है एंटी कैंसर ड्रग के अंदर हुआ है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व जिसे कहते हैं मरीज़ों के लिए। जेनरिक मेडिसिंस के बारे में चर्चा की गई लेकिन जेनरिक मेडिसिंस को बड़ा आंदोलन बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और जेनरिक मेडिसिंस के जन औषधि स्टोर 5000 से ज़्यादा सारे देश के अंदर जो है इसके लिए बनाए गए। भारत सरकार ने जो है 20 टर्शरी केयर कैंसर सेंटर्स इंस्टीट्यूट्स और इसी तरह से 16 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स, इनका लगभग 5-6 कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी सबका 80-90% काम हो चुका है। सारे जितने नए एम्स बन रहे हैं उनके अंदर जो है कैंसर के बड़े बड़े डिपार्टमेंट सब प्रकार की उसकी जो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से जुड़े हुए
वो सब प्रपोज्ड हैं, 6 के अंदर ये ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। हमारी किसी बहन ने ये पैलिएटिव केयर के, आई वॉज वेरी हैप्पी यू टॉक्ड अबाउट पैलिएटिव केयर प्रोग्राम, तो अभी 346 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 29 स्टेट्स के अंदर जो है ये हमारा जो स्टेट पैलिएटिव केयर सेल्स, इसमें की इसकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैपेसिटी बनाने के लिए स्पेशली जो है पैलिएटिव केयर के लिए इसके लिए रखे गए हैं। अभी आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा था, और अच्छी बात है कि जो प्रिवेंशन के ऊपर उन्होंने भी फोकस स्टार्ट किया था, और उसके संदर्भ में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिसमें कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, कैंसर्स वगैरह आते हैं, तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि हमारी सरकार ने उसको बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूशनलाइज किया प्रिवेंशन के काम को। और अक्सर आपने सवालों के जवाब में भी ये सुना ही है कि आयुष्मान योजना के जो दूसरा कंपोनेंट है वो हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक्स है। 31 दिसंबर सन 2022 तक हम देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक्स जो है ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसमें से लगभग 19-20 हज़ार ऑलरेडी हो गए हैं। 31 मार्च तक ये संख्या 40 हज़ार हो जाएगी, और यहाँ पे जो बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ जो ट्रीटमेंट इत्यादि दिया जाता है, लेकिन उसका जो प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन के लिए जो स्क्रीनिंग का जो कंपोनेंट है, और उस स्क्रीनिंग के कंपोनेंट के लिए जो आशा वर्कर है और जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसको बाकायदा ट्रेन करके और बाकायदा उसको डेल का टैबलेट इत्यादि भी उसको प्रोवाइड किए गए हैं, इस काम को बड़े इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से किया गया है। और अभी करीब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 585 NCD क्लिनिक्स, PHC लेवल पर 3084, और इसी तरह से 168 डे केयर सेंटर्स कीमोथेरेपी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि ये करीब 200 कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में खाली अकेले पिछले साल 6.79 करोड़ लोगों की हम लोगों ने स्क्रीनिंग की, और उसमें खुशी की बात यह भी है कि 6.1% डायबिटीज़ के लोग, 7.4% हाइपरटेंशन के, 0.26% जो है ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के, और 0.21% जिसमें कि स्क्रीनिंग में विशेष रूप से 3 कैंसर जो प्रमुख हैं हमारे भारत में, ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, इसमें 0.21% जो है पेशेंट्स को यहाँ पर पाया गया। और उसके बाद फिर उसका एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है कि जैसे ही डिटेक्ट होता है उसको कैसे कैसे सिस्टम के अंदर जो है चलाया जाता है। अध्यक्ष जी, मुझे ये बताना है कि अभी हमारे देश में इस समय कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 482 सेंटर्स हैं, 482, और इन 482 सेंटर्स के अंदर जो है ये यानी इसमें करीब जो है 695 ये टेलीथेरेपी के लिए जो है मशीन्स लगी हुई हैं, कोबाल्ट की जिसमें 201 हैं, लीनियर एक्सेलरेटर 4, ये बहुत सारी चीज़ें इस 5 साल के अंदर एक्सपेंड की गई हैं, लीनियर एक्सेलरेटर 464 हैं, टोमोथेरेपी टोमोग्राफी के लिए 17, साइबर नाइफ 6, गामा नाइफ 7, और जो सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रैकीथेरेपी, इसके लिए भी 356 जो है हमारे यहाँ पर जो है ये मशीन्स जो है उपलब्ध कराई गई हैं। मुझे जो गुलाम नबी साहब ने कहा था उसके बारे में, जो हॉस्पिटल झज्जर में, बहुत खुशी की बात है कि उसका फाउंडेशन वगैरह रखा गया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी हम स्मरण करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गुलाम नबी जी के साथ। लेकिन आपको सिर्फ इतना कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उसका ऐसे ही जाकर उद्घाटन नहीं करके आए, उसके अंदर 5 साल के अंदर पूरा डेवलपमेंट होने के बाद उसका उद्घाटन हुआ है, और अभी हमने इतना वहाँ पर कर दिया है कि जो ब्रेस्ट के कैंसर का लोड था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर, अभी तो यहाँ से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से भी वहाँ पर पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भी जो है ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। आने वाले सब कुछ हरियाणा ने भी कुछ अपनी रोडवेज की बसेज अलग जगह से लगाई हैं, आगे के लिए मेट्रो वगैरह की भी व्यवस्था प्लान हो रही है। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो लोड था, आप जैसे बहुत लोगों ने ये बात किया कि बहुत सारी वेटिंग लिस्ट इत्यादि है, उस सबको वो लोड जो है बड़े पैमाने पर उसको कम कर दिया गया है। और ये जो इसके यहाँ पर
ओपीडी स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले समय के अंदर एक 300 करोड़ का न्यू प्रोटॉन थेरेपी जो सबसे लेटेस्ट है प्राइवेट के अंदर उसका इलाज प्रोटॉन थेरेपी जो है उसको करने के लिए 25 लाख रुपए तक एक अस्पताल में लगता है, लेकिन ये यहाँ पर ये निःशुल्क उपलब्ध होगा। और सबसे बड़ी दुनिया की देश की जो है लैब जिसमें 60,000 सैंपल ऑटोमेटिकली एक दिन के अंदर जो है टेस्ट हो सकेंगे वो जो है 24/7 जो है वो वहाँ पे चलने वाली है। तो इस दृष्टि से इस और अभी आने वाले समय में जो नारायण मूर्ति साहब है उनकी मदद से वहाँ एक 100 करोड़ के एक्सपेंडिचर से एक धर्मशाला भी जो है CSR के अंदर जो है लोगों के लिए जो है जो जिस प्रकार का जो है उसके लिए बात बताया गया। तो और रिसर्च की दृष्टि से ये अपने आप में दुनिया के बड़े कंट्रीज़ के साथ मिलकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर रिसर्च का काम, और उसमें भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक ड्रग्स के बारे में एक कोडेड ड्रग के रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गए यहाँ पर, जिसके माध्यम से देखा गया कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जो है बहुत कम हो गए, और वो चीज़ होम्योपैथी के लिए भी शुरू हो रही है, और वो चीज़ दूसरे सिस्टम जो हमारे इंडियन मेडिसिन के हैं उनके लिए भी शुरू हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन इस अवसर पर उल्लेख एक और विषय का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद PMO के माध्यम से और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से इस विषय को बड़े पैमाने पर इसको मॉनिटर करते हैं, और इस संदर्भ में जो टाटा मेमोरियल जो सेंटर है और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो इसको बड़े एक मूवमेंट की तरह ले रहा है, और उसको जिसको कि नाम है जिसका नेशनल कैंसर ग्रिड, उसके तहत सारे देश में यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट हो, और उसके लिए 177 जो है देश के अंदर इंस्टीट्यूशंस और इसके लिए जो जितने एक्टिविस्ट हो सकते हैं जितने पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स हो सकते हैं वो सारे जुड़ गए हैं, और अभी तक 8 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बनकर क्रिएट हो गए हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल तो हम पहले से ही जानते हैं, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर मुंबई, एक सेंटर फॉर क्लिनिकल एपिडीमियोलॉजी मुंबई, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम, इन सब के आपने कुछ के नाम लिए लेकिन ये एस्टैब्लिश हम लोगों ने करके और इनको जनता को डेडिकेट कर दिया है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर पंजाब, डॉक्टर बी बरुआ कैंसर सेंटर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी, महात्मा पंडित मनमोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी, और इसके अलावा 2 अभी इन द ऑफिंग है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है और एक मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। मुझे अध्यक्ष जी, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि समय की मर्यादा है और शायद बाकी बिल्स वगैरह लिए जाने हैं, 2-3 बातें कहनी है कि अभी जो एरिया वाइज जो सर्वे करके जो रिजल्ट्स बताए गए हैं, यूँ तो बहुत तरह के डाटा आते हैं, उसके अंदर हमारे जो रूरल एरियाज़ के अंदर 40 से 50 के करीब जो है 1 लाख के ऊपर जो है कैंसर के पेशेंट्स, और जो सेमी अर्बन में 60 से 70, और जो अर्बन एरियाज में लगभग 90 से 100 पर 1 लाख, और यही संख्या जो है ये अमेरिका के अंदर लगभग 350 पर 1 लाख है, यानी हमारा जो इंसिडेंस है वो अमेरिका के मुकाबले या तो 1/3 है या 1/8 है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो खुशी की बात यह है कि इसमें जो हमारे कॉमन कैंसर्स हैं वो उसमें से 60 से 70% जो कैंसर्स हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। इसलिए हम अगर अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर और जिसके ऊपर जैसा मैंने अभी उल्लेख किया जो काम किया जा रहा है अगर उसके ऊपर फोकस करें, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि ये औपचारिक है कि जो देश में इतने सारे टॉयलेट्स और जो स्वच्छता का जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके रिजल्ट में, दिस इज़ नॉट माय स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट फ्रॉम द साइंटिस्ट ऑफ द टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट, उसके कारण देश के अंदर जो यूट्राइन सर्विक्स का कैंसर है और जो पिनाइल कैंसर है इनके अंदर, क्योंकि लोगों को एक्सेस मिला है, प्राइवेसी मिली है अपने प्राइवेट पार्ट्स को स्वच्छ रखने की, अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस को करने की, और उसके कारण जो सुविधाएं हुई हैं, जो स्वच्छता के कारण जो देश का जो सैनिटेशन जो कोफिशिएंट है वो 33% से 35% से 97% तक पहुंचा है, उसके कारण ये जो बीमारियों का जो इंसिडेंस है
ये अब जो WHO की रेयर डिजीज़ की जो इंसिडेंस की जो कैटेगरी है उसके अंदर जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा बहुत सारे ये सबके सवाल जवाब लिखे थे, गुलाम नबी साहब ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, उनको मेरे को केवल इतना अश्योर करना है कि जो भी कुछ उन्होंने शुरू किया कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको कि हम लोगों ने रोक दिया, उसको पूरे उत्साह के साथ, पूरे जो है डायनेमिज्म के साथ, पूरी प्रोएक्टिविटी के साथ, सरकारों की प्रक्रिया कंटिन्यूस होती है, लेकिन जो आपने कंसीव किया उसको हम लोगों ने उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। मैं आप सबसे इस अवसर पर यही अनुरोध करता हूं कि ये डाटाज और स्टैटिस्टिक्स तो बहुत सारे हैं। नहीं नहीं, माननीय मंत्री जी के जवाब के साथ एक आपको इजाजत नहीं है निषाद जी, आपको इजाजत नहीं, आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, आप बगैर परमिशन के बोला मिस्टर निषाद, आप बगैर परमिशन के बोला। मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है, एक एक डिस्ट्रिक्ट एक एक अस्पताल की मशीन की तो यहाँ पर इस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर जो ये जो कैंसर्स हैं ये प्रिवेंटेबल हैं, अर्ली डायग्नोसिस, और इस नाते जो लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी हैं, जो सिगरेट तंबाकू और ये शराब और ये पान मसाला तंबाकू इन सब चीज़ों के खिलाफ जो समाज में आंदोलन जो है करना ज़रूरी है, और जो खासकर फूड हैबिट्स के संदर्भ में हमारा FSSAI भी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर ईट राइट ईट लेस ये आंदोलन को भी बड़े पैमाने पर विकसित कर रहा है। तो आप सबसे भी मेरा ये अनुरोध है कि कैंसर के खिलाफ अगर सरकार पूरी तरह से कृतसंकल्प है कि कैंसर के लिए जो टेक्निकल सपोर्ट देना है, अस्पताल देना है, मैन पावर देनी है, जो मशीनें देनी है, वो सब बहुत तेज़ी से, कलकत्ता के अस्पताल की आपने बात की, वो कलकत्ता का अस्पताल जो आपने कंसीव किया था वो 500 करोड़ रुपया खर्चा करके वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के अंदर है, चितरंजन अस्पताल जो है, और इसी तरह से दूसरे भी जो अस्पताल जो है सभी जो है एडवांस स्टेजेस में है, कंप्लीशन में है या डेडिकेट हो चुके हैं। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में कैंसर के प्रिवेंशन की दृष्टि से जितनी भी प्रकार की अवेयरनेस को हम जनरेट कर सकते हैं, अगर एक भी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं कि वो अर्ली डायग्नोसिस के लिए, और गुलाम नबी साहब ने अच्छा कहा कि अभी जो है वो हेल्थ चेकअप हम जब कराने जाते हैं जब 25 बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए एक रूटीन हेल्थ चेकअप की भी अगर हम लोग लोगों को प्रेरणा दें तो बहुत सारी कैंसर जैसी बीमारियों को हम समय पर डायग्नोस कर सकते हैं। आज समय की मर्यादा है, लेकिन कभी आप और लंबा समय देंगे तो कैंसर के बारे में मैं चाहूँगा कि इसके बारे में और विस्तार से इस सदन के अंदर चर्चा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मंत्री जी। हाफ एन आवर डिस्कशन, हाफ ऑनरेबल आनंद जी, आप बड़े सीनियर आदमी हैं, SDD में मंत्री जी के जवाब के साथ ही चर्चा खत्म होती है, ये उस नियम के तहत ही मैं कह रहा हूँ। हाफ एन आवर डिस्कशन, माननीय रेवती रमन सिंह प्लीज नोट, इट्स ऑलरेडी 2.5 hours। आफ्टर द स्पीच ऑफ द मिनिस्टर क्लैरिफिकेशन आर आस्क्ड। This is a live assembly. This cannot be reduced to a boring monologues. There must be thrust and parry. There must be debate. There must be robust questioning and answer. Chidambaram ji, आप बड़े अनुभवी और माननीय मंत्री रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन SDD का जो नियम है, इस सदन का बनाया नियम है, वो 2.5 घंटे में बहस, ये सदन का बनाया हुआ नियम है। हमें अगले बहस पे जानी है, इतने सवाल इसमें हम नहीं ले सकते। हाफ एन आवर डिस्कशन है आगे, माननीय रेवती रमन सिंह, हाफ एन आवर डिस्कशन। माननीय आनंद जी, मैं नियम दिखाता हूं, अगर होगा तो हम आपको इजाजत देंगे। अब दिखाते हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन पे निकालिए। हमारी स्टेटमेंट के बाद हमसे सवाल पूछे जाते थे, हम जवाब देते हैं। क्लियर सर, इट्स ए फॉर्मल मोशन, चेयर A member only can participate after the permission of the chairman. Nothing, sir. It's very clear, 178, sir.
एंड चेयर डिनाइड देन 258 इट्स द फाइनल सर। माननीय सदस्य, जो मैंने बताया वो नियम के तहत बताया।